व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पॉजिटिव न्यूज। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान को लेकर हर कोई एक्साइटेड है। पठान की अपार सफलता के बाद शाहरुख खान की जवान का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसी बीच साउथ सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर एटली के डायरेक्शन में बनी जवान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, जवान फिल्म की शूटिंग 30 मार्च को पूरी कर ली गई है, जिसके बाद खबर आ रही है कि 10 अप्रैल को इस बात का फैसला लिया जाएगा कि जवान फिल्म 2 जून 2023 को ही रिलीज होगी या फिर नहीं। साथ ही दोस्तों, फिल्म को लेकर एक और अपडेट सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के दो गाने अभी शूट होने बाकी हैं, जिनमें एक गाना नयनतारा के साथ और दूसरा गाना दीपिका पादुकोण के साथ शूट होगा। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान और नयनतारा अप्रैल के फर्स्ट वीक में मुंबई में जवान के पहले गाने की शूटिंग करेंगे। वहीं दूसरे गाने की शूटिंग अप्रैल के सेकेंड वीक में होगी, जिसमें आपको दीपिका पादुकोण के साथ शाहरुख खान भी देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं, जवान शाहरुख खान की इस साल की दूसरी फिल्म है। पठान के बाद फिल्म जवान से उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। जानकारी के लिए बता दें आपको, फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन खास तौर से VFX पर दिन रात काम चल रहा है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो एटली को भरोसा है कि जवान फिल्म 2 जून 2023 को ही रिलीज होगी। VFX के साथ फाइनल प्रिंट 10 मई तक लॉक हो जाएगा और तब भी टीम के पास 20 दिनों का समय बाकी होगा। दोस्तों, वैसे तो डायरेक्टर एटली अपने काम में माहिर हैं और वो खूब जानते हैं कि दबाव में कैसे निशाना साधा जाता है। शाहरुख खान जवान के जरिए फिल्म में इस साल दूसरी बार एक्शन करते दिखेंगे। इससे पहले पठान में वो अपना जलवा दिखा चुके हैं। इसी के साथ उनकी फिल्म डंकी भी इसी साल पूरी हो सकती है, हालांकि इसमें एक्शन नहीं होगा। ये फिल्म इमिग्रेशन के मुद्दे पर आधारित है। एनीवेज दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं जवान फिल्म को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद पॉजिटिव न्यूज़।